तो हेलो गाइस, कैसे हो? आयो पा बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो गाइस, हम आज फोटो एडिट करने वाले हैं, कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करेंगे, वो भी गाइस पोलार एप्स की मदद से। तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आप इस प्रकार का फ़ोटो एडिट करना सीख पाएंगे। तो देख सकते हो गाइस, फोटो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। और आपसे छोटा सा निवेदन है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में बेल आइकन है उसको भी ऑल में कर देना, ताकि मैं इस प्रकार के एडिटिंग वीडियो डालूं तो सबके पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो गैस वीडियो शुरू करते हैं। मैं गैलरी को ओपन कर लेता हूं, और ओपन करने के बाद देखते हो गैस कुछ इस टाइप का हमारा रियल फोटो है। और आपको कुछ नहीं करना है गैस, आपको ऐप्स को ओपन कर लेना है। तो गैस इस ऐप्स का हमने नाम बता ही दिया आपके लिए, इस ऐप्स का नाम है पोलार ऐप्स। तो इसको ओपन कर लेना है, और इसको जैसे ओपन करोगे गैस तो आपके सामने यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ऊपर की तरफ देखो ओपन। तो यहाँ पर क्लिक कर लेना है आपको दोस्तों। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे ना, आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी, और आप अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से वेट करना है, और आपको यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, एडिट। तो एडिट में क्लिक कर लेना है, और जैसे एडिट में क्लिक किया तो हमारा फोटो आ चुका है, ठीक है दोस्तों। और आ जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर बहुत सारे टूल्स देखने के लिए मिलेगा नीचे की तरफ। तो आपको यहाँ से तीसरे नंबर वाले टूल्स में क्लिक कर लेना है, देख लेना, इसमें क्लिक कर लेना है आपको। इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से लाइन ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ से तीसरे नंबर वाले इसमें चले जाना है, HSL, ठीक है गाइस। इसमें जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपके सामने कलर्स ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर कलर भी है। तो आपको इसमें हमने जैसे क्लिक किया ना, तो इसमें आ जाना है दोस्तों, आपको इसमें क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसमें जैसे क्लिक करोगे गाइस तो आपको ये फर्स्ट वाला कलर है ये सिलेक्ट कर लेना है। अभी फर्स्ट वाला कलर सिलेक्ट हो रहा है, तो दूसरे नंबर वाली लाइन को थोड़ा माइनस कर लेना है, गैस माइनस कर लेना है इसको, -33, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर वाले को आपको इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। और इसके पास वाला कलर फिर से सिलेक्ट कर लेना है, और इसको रख लेना है आपको 0 रख लेना है, और इसके नीचे वाले को माइनस कर लेना है, -7, ठीक है दोस्तों। और इसके पास वाला फिर से कलर सिलेक्ट कर लेना है, और इससे गैस देख सकते हो बैकग्राउंड में कलर आ रहा है, तो आप बैकग्राउंड में जैसा कलर दे सकते हैं वैसा रख लेना है। तो इसको रखो गाइस जैसे रख लेना है, और मैं अभी इसको कुछ नहीं करूँगा, इसको 0 रख लेता हूँ, और इसके नीचे वाले को पूरा शो कर लेता हूँ। देख दोस्तों कितना अच्छा कलर आ चुका है फोटो के ऊपर। तो देखते हो गाइस यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर। तो इतना हो जाने के बाद इसके पास वाला कलर फिर से सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों, और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको जैसे माइनस करोगे ना, तो ये देख सकते हो येलो कलर आ रहा है, तो इससे बैकग्राउंड में ये वाला कलर सेट कर सकते हो आप। तो गैस आप जैसा चाहो ना वैसा कलर, इधर येलो कलर होगा गैस, और इधर ग्रीन कलर। तो हमको ग्रीन कलर करना है, तो ग्रीन कलर करने के लिए आपको उसको 100 रख लेना है, उसके नीचे वाले को 100 कर लेना है, ठीक है। फिर आप कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा राइट वाला ऑप्शन, तो राइट में क्लिक कर लेना है, और राइट में क्लिक करने के बाद आपको फिर से जाना है टूल्स में, यहाँ जाना है गाइस आपको फिर से, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट में क्लिक कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट में जो भी है गाइस यहाँ पर क्लिक कर लेना है आपको, ठीक है। फर्स्ट में क्लिक करने के बाद देख सकते हो गाइस यहाँ पर लाइन ओपन हो गई, यहाँ ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है, 5+ कर लेना है, और इसके नीचे कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को आप बढ़ा लेना है दोस्तों, 8+ कर लेना है। और इसके नीचे हाईलाइट, तो हाईलाइट को आप बढ़ा लेना है, इसको रख लेना है गैस। हाईलाइट को जैसे बढ़ाए दे चमक आ चुकी है ना मेरे पेज के ऊपर, तो हाईलाइट को 70 या 71 कर लेना है। इसके नीचे वाइट्स, तो वाइट्स को बढ़ा लेना है, और इसके नीचे ब्लैक से, तो ब्लैक्स को थोड़ा माइनस कर लेना है, -30, और वाइट को 23+ कर लेना है, ठीक है दोस्तों। फिर करने के बाद आपको इधर आ जाना है, देख लें इधर टूल्स बहुत सारे देखने के लिए मिलेगा, तो आपको इधर आ जाना है, और आपको यहाँ पर इफेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा गाइस। तो आपको यहाँ पर देख सकते हो गाइस ऐसे ब्लर होगा बैकग्राउंड में, पूरे में ब्लर हो रहा है, तो हमको ब्लर नहीं करना है। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस बहुत सारे इफेक्ट देखने के मिलेगा आपको, जैसे कलर देख सकते हो, यहाँ से इसको भी बढ़ा सकते हो आप, देख सकते हो जूम करके बिफोर एंड आफ्टर कितना अच्छा चमक आ चुका है। और आ जाने के बाद फाइनली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कर देना है आपको राइट, ठीक है दोस्तों, राइट कर देना है। और राइट करने के बाद आपको यहाँ से फोटो को शेयर करना है, तो
मैं इसको फोटो को शेयर कर लेता हूँ यहाँ से। फाइनली ऑटो डे एप्लीकेशन के अंदर का स्पेस स्मूथ करेंगे हम, तो उसके अंदर मैं फोटो को शेयर कर लेता हूँ। ये रहा स्केच बुक, इसके अंदर फोटो को शेयर कर लेना आप। तो फाइनली फोटो शेयर हो चुका है गाइस, और शेयर हो जाने के बाद आपको पहले तो कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है आपको। यहाँ जाने के बाद यहाँ पर प्लस वाला आइकन में क्लिक कर लेना है, और प्लस वाला आइकन में जैसे क्लिक करोगे ना गाइस आप, तो आपके सामने यहाँ पर वाइट वाली लेयर ओपन हो जाएगी कुछ इस प्रकार की। तो इसको सिलेक्ट रखने के बाद आपको यहाँ पर कलर्स में चले जाना है दोस्तों। कलर्स में जाने के बाद यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है गाइस, हम फोटो में लिप्स लगाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, फिर यहाँ से कर देना आपको कट, ठीक है मेरे भाइयों, कट कर देना है। और इस प्रकार जूम कर लेना है, ठीक है। जूम करने के बाद आपको एक बार यहाँ चले जाना है ब्रश में, ब्रश लेंगे हम, तो यहाँ चले जाना है और इसको करके लाइब्रेरी ओपन कर लेना है। अगर लाइब्रेरी ओपन नहीं हो रही दोस्तों आपके फ़ोन में, तो लाइब्रेरी ओपन कर लेना है और स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आ जाना है। और जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आओगे ना आप, कुछ इस टाइप से ब्रश देखने मिलेंगे दोस्तों आपको, देख लेना कुछ इस टाइप से। और हमने जो राइट लगाया ना, ये वाला सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। ये वाला सेलेक्ट करने के बाद मैं फिर से गोल लगा रहा हूँ, ये वाला सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको। और फिर आपको सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग में क्लिक कर लेना है, सेटिंग में क्लिक करने के बाद इसको पूरा 100 कर लेना है, 100, ठीक है दोस्तों। और इसको रख लेना है आपको 11 पॉइंट कर लेना है, ठीक है। और जूम कर लेना है अपने फ़ोटो को, और कुछ इस प्रकार से अपने फ़ोटो के ऊपर लिप्स लगा लेना है। देखिए दोस्तों इस प्रकार से लिप्स लगा लेता हूँ मैं, तो दोस्तों लिप्स लगा चुका हूँ मेरे फ़ोटो के ऊपर। और लगाने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है जहाँ हमने लेयर बनाई थी वहाँ जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ वाइट वाली लेयर इसमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा, तो नॉर्मल में क्लिक कर लेना है और इसको करके नीचे की तरफ आ जाना है। और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा गाइस सॉफ्ट लाइट, देख लेना सॉफ्ट लाइट, इसमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है, तीर वाला आइकन में क्लिक करके बैक चले जाने के बाद यह लाइन एंड गाइस इसको कम कर लेना है आपको, सोए तो इसको कम कर लेना है, तो इसको रख लेना है आपको अभी 30-40 कर लेना है, ठीक है। कट कर देना है, देख सकते हो गाइस हो चुके हैं लिप्स। और हम पेस को भी स्मूथ करेंगे थोड़ा बहुत, तो पेस को स्मूथ करने के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है। जाने के बाद आपको लाइब्रेरी ओपन कर लेना है दोस्तों, यहाँ से लाइब्रेरी में क्लिक कर लेना है और स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करना, और यहाँ पर आ जाना है। और देख सकते हो कुछ इस टाइप के ब्रश देखने के लिए मिलेंगे आपको, आपको पता है होगा गाइस। तो इनमें से गाइस ये हमने जो गोल लगाया ना, इसको सिलेक्ट कर लेना है, इस ब्रश को मैं फिर से चिन्ह लगा रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में क्लिक कर लेना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद गाइस इसको रख लेना आपको 4, उसको रख लेना 5, और इसको रख लेना अभी 15.3, फिर कट कर देना है। कट करने के बाद आपको यहाँ से यहाँ जाना है, फिर से हमने जहाँ लेयर बनाई थी ना वहाँ जाना है गाइस आपको। और जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर इस फोटो में क्लिक कर लेना है अपने फ़ोटो में, ठीक है। और फिर इस प्रकार जूम कर लेना, और कुछ इस प्रकार से अपने पेज के ऊपर ब्रश को चला लेना है, देख सकते हो गाइस स्मूथ हो रहा है ना, कुछ इस प्रकार से स्मूथ कर लेना है आपको पेज को अच्छी तरीके से। देख सकते हो गाइस कितने अच्छी तरीके से पेज स्मूथ हो रहा है हमारा, तो आपको इस प्रकार पेज स्मूथ करना है दोस्तों। देख सकते हो कितना अच्छा पेज लग रहा है, तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। तो आपको इस प्रकार पेज स्मूथ करना है, ताकि आप अच्छी तरीके से पेज स्मूथ करना सीख जाए। तो देख सकते हो गाइस पेज स्मूथ कर लिया है बहुत ही ईजी तरीके से हमने। और करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस, इस फोटो को यहाँ से शेयर कर लेना है आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन में, तो यहाँ से शेयर कर लेना है। इसमें क्लिक करके इसी नीचे वाले में क्लिक कर लेना है, थोड़ी देर वेट करना है, और आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर कर लेना है। ये रहा, इसके अंदर फोटो को शेयर कर लोगे ना गाइस, तो आपके सामने आप नीचे देखने के लिए मिलेगा टूल्स, तो टूल्स में चले जाना है दोस्तों। टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर ट्यून मैजिक में क्लिक कर लेना है, और फर्स्ट में ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेना है 30+ कर लेना है। इसके नीचे कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को भी बढ़ा लेना है 38+ कर लेना है। इसके नीचे सैचुरल, तो इसको भी थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है 17+ कर लेना है। इसके नीचे अभी इसको भी बढ़ा लेना है, ठीक है 20+ कर लेना है। इसके नीचे हाईलाइट, तो हाईलाइट को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेना है 23+ कर लेना है। इसके नीचे शेडोज, तो शेडोज को भी बढ़ा लेना है, ठीक है दोस्तों। और इसके नीचे वाइट, इसको कुछ नहीं करना है, और इतना होने के बाद आपको यहाँ से राइट कर देना है। तो देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर। और फिर आपको टूल्स में क्लिक कर लेना है एक बार, और टूल्स में क्लिक करने के बाद इसको करके नीचे की तरफ आ जाना है, और कुछ इस टाइप से ऑप्शन होगा गाइस, देख लेना इसमें क्लिक कर लेना है आपको, ठीक है दोस्तों। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे देखने के लिए मिलेगा गाइस स्मूथ, जहाँ पर स्मूथ 2 हो ना वो सेलेक्ट कर लेना। देख सकते हो गाइस यहाँ पर स्मूथ 2 है,
तो ये सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से तीन लाइन आएगी आपके सामने, देख लेना। तो इसको बढ़ा लेना है गाइस, इसको जैसे बढ़ाए पेस में कितना अच्छा चमक आ चुका है, इसको 50 कर लेना है आपको 15, और इसके नीचे स्मूथ इसको पूरा इंक्रीज कर लेना है। और इसको देखो ऐसे, इसको हम जैसे बढ़ा रहे कितनी आंखों में चमक आ रहा है, देखो ऐसे। इसको भी रख लेना है आपको 50 कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ से कर देना आपको ट्राइट, और देखते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर इतना हो जाने बाद देखते हो गाइस यहाँ पर ब्लैक ब्लैक आ रहा है, यहाँ पर ब्लैक आ रहा है ना, तो इसको भी हम सही करेंगे। तो आपको यहाँ पर टूल्स में क्लिक कर देना है, टूल्स में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस सिलेक्टिव वाला गोल वाला आइकन देखने के लिए मिलेगा, इसमें क्लिक कर लेना है और इस प्रकार से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करना है, इसको छोटा कर लेना है और इस प्रकार से इसको बढ़ा लेना है, इंक्रीज कर लेना है इसको, ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है और कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेना है, 19 कर लेना है। इसके नीचे सर चूल तो थोड़ा माइनस कर लेना है, ठीक है दोस्तों। फिर आपको प्लस में क्लिक कर लेना है और जहाँ आपको गोरा करना है ना इस प्रकार इसको छोटा करके और इस प्रकार ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है और सर चूल को थोड़ा माइनस कर लेना है, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ से राइट कर देना, देखिए बिफोर एंड आफ्टर। तो इतना हो जाने के बाद गाइस फाइनली फोटो को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर डन में क्लिक कर लेना है, सीधा गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में बेल आइकन है गाइस उसको भी ऑल में कर देना, ताकि मैं इस प्रकार की एडिटिंग वीडियो डालूँ तो सबके पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।